नमस्कार, मैं फिर आप सबके सामने उपस्थित हो गई हूँ और आप देख के समझ गए कि मैं किचन में खड़ी हूँ। सभी बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटे को बहुत सारे प्यार। आज जिनके बर्थडे, मैरिज एनिवर्सरी या स्पेशल डे, उन सब के लिए मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। आज ना लक्ष्मी एक साथ दोनों टाइम का खाना बना रही है और मुझे ऐसा लगा कि चाय के साथ भी शाम के लिए कुछ बना लेती हूँ। तो ये खाना बनाते बनाते ना उसके बीच में मैनेज करके हम ये एक्स्ट्रा जो मैं बना रही हूँ वो कर रही हूँ, इसलिए ना बहुत अच्छे से या बहुत सजा के ऐसे नहीं कर पाऊँगी। क्योंकि मैं ऐसे बोला तू करते करते आलू बॉयल कर ले, मेरे पास ऑलरेडी बॉयल्ड कॉर्न है, तो ऐसे सब मिक्स करके मैं करूँगी। एंड मैं सोचा कि ये बहुत एक्चुअली बहुत टेस्टी होता है, तो मैंने सोचा जब बनाई रही हूँ तो आप लोग उसे शेयर करती हूँ, तो शायद बहुत सजा के बहुत अच्छा, मतलब जैसे नॉर्मली मैं अलग से रिकॉर्डिंग के लिए करती हूँ वो पॉसिबल नहीं होगा, बट आई होप इतना तो आप लोग मतलब सह लेंगे। बिकॉज मेन जो पर्पस है ना कि एक अच्छा डिश मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ वो तो डेफिनेटली होगा। आप घर पे बना के देखिए, डेफिनेटली बहुत अच्छा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए बहुत ही ईजी है, मैंने तीन आलू उबाल के ले लिया। ये कॉर्न है जो ये भी उबला हुआ है, क्योंकि मैं ऑलरेडी आप लोग पता है मैं उबाल के डब्बा भर के फ्रीजर में रख लेती हूँ, तो उसमें से कॉर्न लिया एंड दो स्लाइस मैंने चीज़ लिया। पर एक्चुअली मेरे पास स्लाइस चीज़ है इसलिए मैं इससे कर रही हूँ, नहीं तो क्यूब चीज़ होना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि छोटा छोटा क्यूब पीस लेके आप अंदर डाल सकते हो। एंड इस मेन इंग्रेडिएंट्स तो ये चाहिए, इसके अलावा जो घर में हमारा जो नॉर्मल मसाला होता है वही मिलाएंगे और फिर मैं बनाएंगे। तो चलिए आप लोगों को मैं दिखाती हूँ। क्या अभी इसमें मसाला डाल रहे हैं, ये थोड़ा गरम मसाला है और फिर थोड़ा सा लाल मिर्च, तीखा आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। एक्चुअली आप लोगों को पता है कि मैं बहुत ज़्यादा तीखा तो नहीं खाती हूँ। एंड थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डाल रहे हैं और नमक भी स्वाद अनुसार, हम लोग नमक भी बहुत ज़्यादा नहीं लेते हैं क्योंकि थोड़ा कम है खा सकते, ज़्यादा हो तो मुश्किल होता है। और थोड़ा चाट मसाला डाल दें, ये तो बाजार का जो रेडीमेड मिलता है चाट मसाला वही है। और मेरे पास ना थोड़ा सा धनिया पत्ता है, वैसे नहीं दूं तो भी चलेगा पर थोड़ा ही है बचा हुआ, मैं सोचा खत्म भी हो जाएगा थोड़ा टेस्ट आ जाएगा तो ये भी डाल देती हूँ, वैसे ये जरूरत नहीं है। और जो उबला हुआ कॉर्न है वो थोड़ा अच्छे से देख के डालिए ताकि पानी नहीं आए उसके साथ। और मैं तो आप लोगों को पता है कि थोड़ा सा कम क्वांटिटी का बनाती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं बनाती हूँ, आप लोग अपने हिसाब से वो रेशियो में कर लीजिएगा। अभी इसको अच्छे से मिक्स करना है और बाइंडिंग तक ही अच्छे से आ जाए और फिर चीज़ का मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। पहले इसको अच्छे से मिला लेते हैं फिर दिखाते हैं। देखिए क्योंकि मेरे पास ये स्लाइस चीज़ है तो इसको मैं ऐसे काट लिया और इसको ना ऐसे राउंड कर लेंगे। अगर क्यूब है तो आप जैसे क्यूब के कटोरी टाइप बना लीजिए, अंदर चीज़ भर दीजिए और फिर उसको अच्छा से राउंड बना लीजिए, चीज़ बाहर नहीं आए, बस इतना ही खाली ध्यान देना है तो आराम से हो जाएगा। चलिए हम सब बना लेते हैं फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए बॉल बन गया और बहुत अच्छा से बन गया। अभी इसको आप चाहे तो डीप फ्राई करिए, मैं एग्जैक्टली डीप फ्राई नहीं करूँगी, थोड़ा सा शैलो फ्राई कर लूँगी एंड डेफिनेटली बहुत टेस्टी होगा। एंड कोशिश यही करूँगी कि इसमें और कुछ नहीं लगाए कि कॉर्नफ्लावर या ब्रेड क्रैम्प ऐसे कुछ नहीं करूं, डायरेक्ट फ्राई करके देखती हूँ। देखिए गैस ऑन करके मैंने पैन रख दिया है और जैसे मैंने कहा कि डीप फ्राई नहीं करना है पर थोड़ा तो तेल लगेगा, ऐसा भी नहीं कि बहुत कम, पर अभी हम फ्राई करते हैं और
फिर दिखाते हैं। तेल थोड़ा अच्छा से गर्म हो जाए फिर आप उसमें डाल दीजिएगा। पर जैसे मैंने कहा कि ध्यान रखिए चीज़ बाहर नहीं आना चाहिए, चीज़ अगर बाहर आए ना तो पूरा पिघल जाएगा और वो अच्छा नहीं लगेगा। और इसको ना धीमे आंच में, वैसे तो सब कुछ पका हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है कि पकना है टाइम मतलब बहुत देर तक करना है, पर थोड़ा सा इसको थोड़ा सा धीमे करेंगे तो बेटर होगा, अदरवाइज जल जाएगा। और फिर मैं थोड़ा सा फ्राई करके आप लोगों को दिखाती हूँ। बहुत प्यार से हैंडल करिएगा क्योंकि इसके ऊपर कोई कोटिंग हमने दिया नहीं, डायरेक्ट फ्राई कर रहे हैं, बहुत सॉफ्ट भी है, तो थोड़ा सा प्यार से फ्राई करिए। अभी फ्राई होने के बाद मैं फिर दिखाती हूँ। देखिए अभी हम ऐसे प्यार से धीरे धीरे, जैसे एक ये जो सामने का दिख रहा है इसको साइड टर्न कर दिया है और बाकी कर रहे हैं, ऐसे प्यार से करेंगे ताकि चीज़ बाहर नहीं आए। मेन तो वही बात है कि चीज़ अंदर होना चाहिए। और इस तरह से धीरे धीरे फ्राई कर लीजिए। अब पूरा होने के बाद मैं बाहर लेके आप लोगों को दिखाती हूँ। देखिए अभी काट के मैं दिखाती हूँ, गरम है, संभाल के कर लक्ष्मण। ये देखिए अंदर, यस, यानी बहुत खाने में बहुत टेस्टी होता है। देखिए पूरा चीज़ मेल्ट होके कितना सुंदर हो गया। ये देखिए अंदर, वाओ, वेरी नाइस। देखा आप लोगों ने, एक्चुअली बहुत कुछ चल रहा है किचन में, खाना वाना दूसरा भी बन रहा है, तो उसके बीच में हम थोड़ा सा मैनेज करके बना लिए। पर एक बात मैं बोलूँ, जैसे मैंने बनाया ना विदाउट कोटिंग, मैं तो डायरेक्ट वो आलू का ही उसको फ्राई किया। आप अगर ऐसा लगता है आपको कि ये बहुत ध्यान से करना है तो आप कोट करके भी कर सकते हो, आपको कॉर्नफ्लावर घोल के उसमें डाल के ब्रेड क्रम्ब में करके भी कर सकते हो, उसमें थोड़ा कॉन्फिडेंट रहते हो कि टूटेगा नहीं और कुछ चीज़ बाहर नहीं आएगा। पर ये जिस तरह से मैंने किया वो भी इतना प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है, खाली थोड़ा सा प्यार से मतलब थोड़ा सा ध्यान से करना है। मुझे लगता है एक बार ऐसे करके देखिए, इसका ना टेस्ट और अच्छा होता है बिकॉज एकदम सॉफ्ट होता है, एंड मुझे ऐसा लगता है। तो एक बार ट्राई करके देखिए और आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा। अभी ना अभी भी बहुत कुछ बाकी है, वो लक्ष्मी संभाल लेगी, मैं जा रही हूँ किचन से बाहर। तो चलिए बहुत जल्द फिर मिलेंगे। सो माय चैनल शेड्स ऑफ लाइफ विद मॉली, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा और कॉमेंट तो ज़रूर करना। आप लोगों को कॉमेंट पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आप लोग ये बनाइए, टेस्ट करिए और मुझे बताइए आप लोगों को कैसा लगा। बहुत जल्द फिर मिलेंगे। नमस्कार।